Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सड़क मार्ग से दिल्ली से ग्वालियर आ रहे राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। पायलट वाहन में बैठे पुलिसकर्मी सांसद के वाहन की जगह उसी रंग की ही दूसरी गाड़ी को सुरक्षा देने में लग गए थे। मुरैना बॉर्डर पर लेने गए पुलिस पायलट वाहन में सवार पुलिसकर्मियों की लापरवाही का नतीजा यह हुआ कि 14 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए। मुरैना के 9 और ग्वालियर के 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जब तक पुलिसकर्मियों को गलती का एहसास हुआ तब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया की गाड़ी काफी आगे निकल चुकी थी। सांसद सिंधिया की सुरक्षा में हुई लापरवाही में 14 पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की गई। सिंधिया को जेड श्रेणी की वीआईपी सुरक्षा केंद्र सरकार से ओर दी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की सुरक्षा में चूक उस वक्त हुई जब वे दिल्ली से सड़क के रास्ते ग्वालियर आ रहे थे। शाम के वक्त मुरैना जिले में पायलट वाहन उन्हें फॉलो करते हुए ग्वालियर की तरफ बढ़ रही थी। निरावली के पास मुरैना ग्वालियर बॉर्डर पर ग्वालियर की पायलट वाहन को सांसद को फॉलो करते हुए जयविलास पैलेस ले जाना था। यही पायलट वाहन के पुलिसकर्मियों से गलती हो गई और वे गलतफहमी में सिंधिया के वाहन की जगह वहां से गुजरने वाली उसी कलर की दूसरी गाड़ी को फॉलो करने लगे। थोड़ी देर बाद जब पुलिसकर्मियों को गलत गाड़ी को फॉलो करने का एहसास हुआ तो उनके होश उड़ गए, लेकिन इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया की गाड़ी काफ़ी आगे निकल चुकी थी। करीब 8 किलोमीटर बिना पायलट वाहन के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की गाड़ी चलती रही। जैसे ही सिंधिया का काफिला हजीरा थाने से गुजरा तब कहीं जाकर पुलिस को सुरक्षा में लापरवाही नजर आई और फिर पायलट वाहन की जगह हजीरा थाने की गाड़ी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को जयविलास पैलेस तक फॉलो करते हुए सुरक्षित छोड़कर आई। सुरक्षा में इस तरह की चूक में कहीं ना कहीं मुरैना और ग्वालियर की फॉलो टीम में आपसी सामंजस्य नहीं होने का दोष है। अब मुरैना के 9 और ग्वालियर के 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। आज तक से बातचीत करते हुए मुरैना एसपी ने 9 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने और ग्वालियर एसपी अमित सांघी ने 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की पुष्टि की है। इस तरह कुल 14 पुलिसकर्मियों पर सिंधिया की सुरक्षा में चूक बरतने पर सस्पेंड कर दिया गया है। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.